यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैंड आरपी। तो लास्ट टाइम गाइस आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने भाई ग्रैंड आरपी पे टैक्सी वगैरह चला के थोड़ा बहुत पैसा कमाए थे। हो पता लगा सिर्फ एक ही पैसेंजर्स को मैंने ड्रॉप किया था, फिर मैंने वो जॉब किया ही नहीं क्योंकि मेरे को भाई काफी ज्यादा बेकार सा लग रहा था। भाई बहुत ज्यादा कम पैसा मिल रहा था और कस्टमर तो भाई मिल नहीं रहा था। बाकी अगर कस्टमर के लिए जॉब करना चाहते हो तो गवर्नमेंट कस्टमर को पकड़ना पड़ता था जो कि भाई पैसा काफी ज्यादा कम देता था, और जो प्राइवेट कस्टमर वगैरह होता है भाई वो सब तो आते ही नहीं थे। तो खैर आज कल हम लोगों को एक दूसरा जॉब ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास भाई थोड़ा बहुत पैसा वगैरह पड़ा था जिससे मैंने काफी सारे कपड़े वगैरह खरीदा था लास्ट टाइम, जिसके कारण अपने पास देखो यार ज्यादा पैसा भी बचा ही नहीं है, बस $10 ही कुछ बचा है भाई अपने पास। तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी ना कोई एक अच्छा सोर्स ढूंढना पड़ेगा पैसा कमाने का। देखना पड़ेगा शहर में घूम के कौन हमको जॉब वगैरह देगा। भाई कोई एक अच्छा सा काम मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। वैसे हम लोग शहर पे नया नया आए हैं तो इसीलिए गाइस कोई भी बंदा ना इसलिए हमको काम वगैरह देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। लास्ट वाले एपिसोड पे गाइस वो बंदा टैक्सी हम लोगों को रेंट पे दे ही नहीं रहा था, जबकि हम लोग भाई उसको पैसा ना बराबर ही दे रहे थे। $500 पे टैक्सी भाई आ जाता है रेंट पे, बट वो बंदा दे ही नहीं रहा था। बहुत ही मुश्किल से फिर हम लोग को गाइस टैक्सी मिला था। बाकी इधर की साइड पे ना ट्रैक वगैरह शायद से हम लोग रेंट पे ले सकते, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना देखते गाइस ट्रैक वगैरह हम लोग रेंट पे ले पाते कि नहीं। अगर ट्रैक हमको रेंट पे मिल गया ना तो हम लोग ट्रैक से भी काफी सारे जॉब वगैरह करके पैसा कमा सकते, देखते। और ट्रैक नहीं गाइस इधर बस वगैरह मिलता है क्या, हम लोग को बस मिलेगा? गेम लेवल 3 भाई नहीं मिलने वाला गाइस हम लोगों को, क्योंकि अपना जो लेवल है वो काफी ज्यादा कम है यार। यहाँ पर तो अभी हम लोग को बस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। इधर ये किसका बाइक है यार, क्या मैं इस बाइक को ले सकता हूँ यहाँ से? रुको देखने दो, आई थिंक सो नहीं ले सकता गाइस, नहीं ले पाऊंगा भाई, नहीं ले पा रहा। पार्किंग का यार, ये पार्किंग है? नहीं ये तो पार्किंग नहीं है, मेरे को पार्किंग पे जाके ना अपनी गाड़ी को निकाल लेना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो अभी भाई मैं पैदल ही चलते चलते पार्किंग तक तो आ चुका हूँ। यहाँ पर देखो काफी सारे लोगों की गाड़ी वगैरह है भाई सामने की तरफ। ये कौन सी गाड़ी है यार? मैक्लारेन है, हाँ ये मैक्लारेन है भाई, कितना मस्त लगता है ना। पता नहीं गाइस यार कब अपने पास आखिर ऐसा गाड़ी आएगा, काफी जल्दी आ जाएगा, पैसा कमाएंगे तभी तो आएगा ना। मेरे को अपनी गाड़ी निकालना है, वो कैसे निकाले? वेट 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 यार, कहाँ से निकालते थे गाड़ी, मैं तो भूल ही गया भाई। यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ओके ओके ओके, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ जा अपनी गाड़ी है भी। अरे यार मेरा एक गाड़ी चला गया है भाई, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए ही था और अपने ये गाड़ी परमानेंट है क्या? ये ट्रैक सा टट्टी सा, कोई बात नहीं अगर परमानेंट है तो सही है, कुछ ना होने से तो अच्छा ही है यार। भाई एक दिन का प्राइस $1,000 है पार्किंग का, यार ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं हो गया? चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने $1,000 वेस्ट किया है तो कमाना भी पड़ेगा यार। बट कैसे कमाए, कोई कमाने का अच्छा सोर्स जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल ये कचरा वाला गाड़ी लेके ही मैं यहाँ से निकल पा रहा हूँ, ये शायद से अपना गाड़ी है, फ्री में मिला है हम लोगों को। ओ ये क्या है भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मॉल वगैरह हो सकता है शायद से। यार पैसा तो कमाना पड़ेगा भाई, देखते गए शहर में घूम के कोई अच्छा सा काम आज हम लोग को मिलता है कि नहीं। लास्ट टाइम भी यार काफी घटिया सा हम लोगों ने काम पकड़ लिए थे टैक्सी ड्राइवर का, जो कि बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं था भाई उस पर। तो आज देखते कोई अच्छा अगर काम मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। मेरे ख्याल से कैसे हम लोगों ने यहाँ पर शायद से कोई जॉब वगैरह मिल सकता है, तो सबसे पहले मैं अपने ट्रक को भाई इधर ही साइड पे खड़ा कर देता हूँ पार्क करके, एंड देखते यहाँ पर है कौन, शायद से इस घर के अंदर हो सकता है कोई। ओह ये तो कोई शॉप लग रहा है यार भाई, ये तो बर्गर शॉप है क्या, यहाँ पर मेरे को कोई जॉब देगा भी? वेट यहाँ पर लेकिन मेरे को कोई भी बंदा नज़र तो नहीं आ रहा यार, शॉप के मालिक से मेरे को शायद से बात करना पड़ सकता है, बट कोई है ही नहीं भाई यार, यहाँ पे कोई है ही नहीं। शायद से जो ऑनर होगा ना शॉप का कहीं पे तो गया होगा यार शॉप खुला छोड़ के। चलो हम लोग ऐसे निकल लेते, कोई नहीं है यहाँ पर, अपना ट्रैक में बैठ जाता हूँ मैं। ट्रैक स्टार्ट हो जाए यार जल्दी से, बस खराब ना हो जाए कहीं ये बीच सड़क पे, कहीं ऐसा ना हो कि खराब हो जाए भाई। इसको घुमाते हैं फटाफट से। ऑलराइट गाइस, तो मैंने ना भाई अभी अपने शहर के बंदों से थोड़ा बहुत पूछताछ किया, तो उन्होंने मेरे को एक बंदे के बारे में बताया जो कि हम लोगों को शायद से वो बंदा काम दिला सकता है। तो अभी मैं सीधा अपनी गाड़ी को भगाते हुए जा रहा हूँ उस बंदे के पास। बंदे का लोकेशन मेरे को ऑलरेडी भाई बंदे लोगों ने दे दिया है, तो चल के देखते हैं भाई क्या हम लोगों को वहाँ पर सच्ची में काम वगैरह मिलेगा भी, या फिर बंदे लोगों ने हमसे झूठ कहा। वहाँ पर चलने के बाद ही हम लोगों को पता चलने वाला है, देखते जो लोकेशन दिया गया है उस लोकेशन पे चलते। बाकी मेरे गड्डी पे भाई पेट्रोल वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, तो शायद से मेरे को डला लेना चाहिए यार। रास्ते पर अगर कोई पेट्रोल पंप वगैरह दिखेगा ना तो मैं डाल लूँगा, पता नहीं भाई पेट्रोल भी कितना महंगा होगा, डालाने के पैसे भी ज़्यादा नहीं है, $900 पड़ा है भाई मेरे पास अभी तो बस। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैं उस बंदे की दी हुई लोकेशन पे पहुंच तो चुका हूँ, बट ये तो मेरे को कोई स्क्रैप यार्ड लग रहा है यार भाई, और यहाँ पर कोई है ही नहीं। ओह वेट वेट वेट, यहाँ पर कोई है लेकिन ये स्क्रैप यार्ड का जॉब लेना है क्या मेरे को अभी? वेट देखते कैसे, अगर अच्छा खासा पैसा मिलेगा तो जरूर करेंगे यार, कोई भी जॉब कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बाकी देखते यहाँ पर कौन है भाई, इससे बात करके जरा देख लेते।
ओके गाइस यार, तो यहाँ से हम लोग को जॉब तो देखो भाई मिल चुका है। जॉब कौन सा मिला पता है? कचरे उठाने का भाई। क्या कर सकते यार, शहर पे जॉब नहीं मिल रहा, अभी हम लोग को यही जॉब करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, बट इन्होंने ट्रक नहीं दिया यार। इनका ट्रक वैसे कहाँ पर है? ट्रक नहीं है क्या? मैं अपने इस ट्रक पे थोड़ी कचरे उठा के ला पाऊंगा भाई। ट्रक ट्रक सही में नहीं दिया यार, तो अपने इस ट्रक पे मेरे को कचरा उठा के लाना है। इस ट्रक पे मैं कचरा लोड कैसे करूंगा? चलो देखते गाइस, स्टार्ट हो जा। ओके गाड़ी को तो मैंने वही स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इन्होंने हम लोग को ट्रैक नहीं दी। ये काफी ज्यादा बेकार सीन कर दिया, ट्रैक भी देना तो चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं गाइस, ऐसे ही देख लेते हैं इस गड्डी पे हम लोग कचरा वगैरह उठा पाते कि नहीं। बाकी चलना पड़ेगा हम लोग को अभी। इन्होंने एक हमको लोकेशन दिया है, तो वहाँ पे हम लोग को जाना पड़ेगा। आई थिंक गाइस वहाँ पर काफी सारे कचरा वगैरह होगा, तो ये सब कचरा वगैरह ना उठाना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद देखते भाई ये लोग हमको कितना पैसा देता है। ओके अरे भाई 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 भाई, ये गाड़ी इतना ज्यादा स्लिप कर, भाई डेंजर जोन है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, हमारे पास AK-47 पड़ा है भाई। जो भी ज्यादा पंगा लेने की कोशिश करेगा सीधा निकाल के मत्थे में ठोक देना है, ऐसी की तैसी सबकी। लास्ट टाइम हम लोगों ने गन खरीद लिया था। यहाँ पर देखो गाइस, एक ना घर पे आग लगी पड़ी है भाई। फायर ब्रिगेड वाले पता नहीं कहाँ रह गए यार। आ जाओ यार, बुझा दो कोई यहाँ पर आग। वैसे मेरे पास फोन नंबर भी नहीं है, अगर मेरे पास फोन नंबर होता तो मैं कॉल कर देता यार उनको, बट नंबर नहीं है मेरे पास। चलो छोड़ो, जलने दो भाई, जिसका भी घर है वो देख लेगा। बाकी मेरे को यहीं पे आना था ना। वेट, देखते यहाँ पर है कौन ने यार, कहाँ कचरा है? ओ ये रहा भाई कचरे का बैग, ये मैं उठा लूंगा। ये उठा लिया मैंने कचरे का बैग, और मेरे को डालना कहाँ है? ओ भाई मेरे पास कोई गड्डी नहीं है, असल में मेरे को ये काम करना है, शहर का कचरा साफ करना है, ये सब उठाना है और डस्टबिन में ला के डाल देना है। भाई एक बैग का हमको मिल रहा है $100। सही है वैसे यार, ज़्यादा काम मेहनत वाले तो नहीं है, बस हमको नॉर्मली गाड़ी लेके उस लोकेशन तक पहुंचना है और कचरा डस्टबिन में डाल देना है। यहाँ पे एक और कचरे का डब्बा है भाई, उतर जा उतर जा। सारा काम कंप्लीट करके ही जाने का है, तभी तो हम लोग को ज़्यादा पैसा मिलेगा ना। ये देखो यहाँ पर इस साइड पे एक और बैग रखा हुआ है, ये बैग उठा लूंगा मैं। ओके बैग हम लोगों ने कैसे उठा लिया है, इस बैग को भी उठा के जाके डस्टबिन पे मेरे को फेंक देना है भाई। बस एक बैग उठा के हम लोग डालेंगे डस्टबिन में, तो हमको मिल जाएगा $100। $100 और हमको दोबारा से मिल चुका है। बट गाइस ये कचरे का थैली ना थोड़ा सा दूर दूर है, तो अगर अपने पास कोई अच्छा सा गाड़ी होगा तो सही रहेगा। ये कचरा गाड़ी दोबारा से वहां तक ले जाने में काफी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अपने पास जो ये ट्रैक है ना, ये गाड़ी भाई बहुत ही ज्यादा घटिया है। गाइस यार ये वाला लोकेशन तो काफी दूर है, और ये इधर की साइड पे तो जरा देखो यार, कितना गंदा वाला आग लगा पड़ा है यार इस वाली बिल्डिंग पे। भाई कोई आके बुझा दो। और मैं ये रॉन्ग साइड पे गाड़ी क्यों चला रहा हूँ? मैं ना उस साइड पे ले जाने की कोशिश तो कर रहा था, बट चलो चलो अभी जाके मेरे को इधर रास्ता मिल जाता है। लेट्स गो भाई, अब जाके मैं सही साइड पे। ओ ये क्या हुआ, पता नहीं कुछ ऐसे भूकंप जैसा आ गया भाई। बाकी यार ये कचरे उठाने वाला जॉब ना काफी ज्यादा बेकार है। सही में मेरे को लॉस एंजेलस से ना अभी पलीटो भेजा जा रहा है। बताओ यार, लॉस एंजेलस से पलीटो का दूरिया बहुत ही ज्यादा दूर होता है भाई। भाई वहाँ पे एक बैग उठाने का मेरे को $100 मिलेगा, उससे ज्यादा तो भाई मेरा गाड़ी तेल खा लेगा यार। मतलब तेल का भी पैसा नहीं उठा पाऊंगा भाई मैं ये जॉब करके, मेरे को ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। बस ये लास्ट काम है, मैं जा रहा हूँ भाई अभी के लिए फिलहाल पलीटो तक। पलीटो जाने के बाद वहाँ से मैं कचरा उठा के दे दूंगा, उसके बाद मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। मुझे ना कैसे यार कोई गैंग वगैरह ज्वाइन कर लेना चाहिए, इस शहर पे काफी सारे खतरनाक गैंग वगैरह भी है जो कि हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और उन सब गैंग को यहाँ पर कहा जाता है फैमिली। तो काफी जल्दी हम लोग कोई ना कोई गैंग भाई ज्वाइन कर लेंगे। इधर की साइड पे हम लोग फार्मिंग वगैरह का भी काम कर सकते। ओ मौत हो गया गाइस, भाई भाई भाई, ओ भाई साहब बहुत जोर की लगी रे, मर गया गाइस हम लोग तो। यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पर हम लोगों का, और सीधा हम लोगों का मौत होके हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल पे। क्या बोलूं गाइस यार, शहर पे तो यार ऐसे ड्राइव करना भी मुश्किल हो जा रहा है, कैसे कैसे बंदे घूमता रहता है। वैसे मेरा सामान वगैरह गिर गया क्या? नहीं गिरा कुछ भी। निकलने का रास्ता किधर से है हॉस्पिटल से? कौन से हॉस्पिटल पे हूँ मैं? पलीटो का हॉस्पिटल मेरे ख्याल से ये है, क्योंकि लॉस एंजेलस का हॉस्पिटल का तो मेरे को कोना कोना तक मालूम है, बट ये हॉस्पिटल पे मैं पहली बार आ रहा हूँ। ओके ये रहा भाई एग्जिट। ऑल राइट, तो ओ ये सैंडी सॉरेस है। हाँ सैंडी सॉरेस के हॉस्पिटल पे हम लोग आ गए थे। यहाँ से ना मैं एक स्कूटर रेंट पे ले लेता हूँ। स्कूटर वैसे कितने में आता है? ज़्यादा नहीं भाई, काफ़ी सस्ते में आ जाता है वैसे स्कूटर। लेट्स गो, स्कूटर तो भाई अपना स्टार्ट हो चुका है। यार भाई मेरे पास ना एक अभी एक मस्त आइडिया आ रहा है पैसे कमाने का, तो मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग लॉस एंजेलस चलते हैं। लॉस एंजेलस में जाके ना कोई एक ऐसे बंदे को पकड़ते हैं जो बंदा अकेला घूम रहा हो, उसको अकेले पकड़ के उसको भाई कोपचे में ले जाएंगे कोने में किसी, और कोने में ले जाके भाई सीधा खत्म कर देंगे। खत्म करके उसके बाद जितना भी पैसे वगैरह है ना वो सब कुछ लूट लेंगे हम लोग। अपने पास गन वगैरह तो है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। AK-47 है,
सीधा ठोक देंगे। तो यही काम करके देखते गाइस, आई थिंक इससे हम लोग को अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, लेकिन हाँ पुलिस वगैरह से थोड़ा सा हमको बच के रहना पड़ेगा। वेट गाइस, यहाँ पर ना मैं कोई इलीगल मार्केट ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर ये की मिल रहा है। रुको जरा इस की से देखते क्या होता है, $2,000 का है। तो चलो कुछ अभी काले धंधे वगैरह ही करते हैं यार, काले धंधे में आई थिंक पैसा हम लोग को ज्यादा मिल सकता है। मैंने यहाँ से ना की परचेस कर लिया है, नहीं यार बैग में नहीं आया है ये की, शायद से ना गाइस हम लोग को मिलेगा पोस्ट ऑफिस पे। तो हम लोग को अभी पोस्ट ऑफिस जाके अपना पार्सल कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद देखते गाइस इस की से हम लोग क्या क्या इलीगल काम कर पाएंगे। बट मैं ना एक बार मार्क लगा लेता हूँ, पोस्ट ऑफिस सैंडी सॉरी इस पे पोस्ट ऑफिस नहीं है, कोई भी नहीं है यार। पोस्ट ऑफिस के लिए हम लोग को सीधा लॉस एंजेलिस ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, स्कूटर है अपने पास, स्कूटर सीधा भगाते और पहुंचते लॉस एंजेलिस पे। यार यहाँ पर बंदा है क्या, मार दूँ इसको? भाई भाई बंदा तो काफ़ी तगड़ा गाड़ी लेके घूम रहा है, कहीं पता चले वही मेरे को मार ना दे। मेरे को कोई ऐसा बंदा ढूंढना है जिसके पास कुछ भी ना हो भाई, ऐसे तगड़े तगड़े बंदे अगर ढूंढ लूंगा ना उल्टा वही लोग मेरा जेब काट लेगा। ओ वेट भाई 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 भाई, यहाँ पर मैंने स्कूटर लग के ठोक दिया, तो यहाँ पर लोचा कुछ ऐसे कि गाइस यार रोड ना ब्लॉक हो रखा है यार, ये पत्थर वगैरह यहाँ पर कैसे आ गया? और ये कौन बंदा है भला, भाई मेरे स्कूटर में बैठेगा? हाँ इतना बड़ा हो गया तू? रुको गाइस इसको ना दिखाना पड़ेगा शायद से अपने माल पानी। ओ बंदा भाग गया क्या? नहीं भागा ना, रुको इसको मार दूँ सीधा। मेरे को धक्का कैसे लगाया भाई? हाँ तू धक्का कैसे लगाया तू? ये देख रहा है ये क्या है, बैठा है ऐसी की तैसी तेरी, इसको ठोकना ही पड़ेगा आई थिंक। ओ वो मार रहा है बंदा, वो भाई बैठे छोड़ूंगा नहीं तेरे को बिल्कुल भी। अरे गाइस मेरा यार गन ऐसा क्यों हो रहा है यार गन, भाई ये बंदा मर क्यों नहीं रहा? भाई 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 ये तो मर ही नहीं रहा यार, वेट ये मर क्यों नहीं रहा भाई? ये क्या क्या बंदा है भाई, मर ही नहीं रहा उल्टा मेरे को ही मार रहा है भाई। ये तो गाड़ी, ओ मैं मर जाऊंगा भाई, इधर रास्ता ब्लॉक हो रखा है, मेरे को फटाफट से ना स्कूटर लेके यहाँ से भाग जाना चाहिए। भाई स्कूटर स्टार्ट हो जा भाई, स्टार्ट हो जा, भाग 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 मेरे भाई, भाग भाग भाग। यहाँ पर देखो कैसे कैसे यार पत्थर वगैरह आ रखा है और रास्ता पूरा का पूरा ब्लॉक हो चुका है, मेरे को कोई दूसरा रास्ता पकड़ के जाना पड़ेगा। वेट 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 यार दूसरे साइड पर जाकर ना पहाड़ों के ऊपर से मेरे को शायद से गाड़ी को ले जाना पड़ेगा अपना। यार ये गलत सीन है यार, मैं उसको गोली चला रहा हूँ उसके ऊपर, उसको कुछ हो ही नहीं रहा। पता नहीं कैसे इस गेम का ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग सा है, मेरे को समझना पड़ेगा यार ये सब। ऐसा कुछ लोकेशन वगैरह होता है जहाँ पर हम लोग किसी को मार नहीं सकते, ऐसे ही कुछ होगा शायद से, अलग अलग सीन रहता है यार बहुत कुछ। तो खैर जो भी हो वो सब सीन हम लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिलहाल अपने स्कूटर को मैं पहाड़ के ऊपर चला दिया हूँ, इधर से ही मेरे को ये रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब पहाड़ से ही आई थिंक ये सारे के सारे पत्थर ना उधर गिर गया है और रोड पूरा का पूरा ब्लॉक हो रखा है। चलो खैर जो भी हो हम लोग गाइस इस साइड पे तो आ चुके हैं, एंड अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाते हुए ना सीधा पहुंच जाऊंगा लॉस एंजेलिस पे। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली भाई देखो मैं पोस्ट ऑफिस तक तो बस पहुंचने ही वाला हूँ, लेकिन दिक्कत की बात ये हो गया कि कोई दो बंदा है ना जो कि मेरा पीछा कर रहा है। पता नहीं क्यों भाई तब से पीछा करे जा रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं था। खैर जो भी हो पीछा करने दो यार, पता नहीं हो सकते कुछ पंगा वगैरह हो गया हो, क्योंकि मैंने ना गोली वगैरह चला दिया था बंदे लोगों के ऊपर। खैर गन को अंदर कर लेता हूँ और मैं पोस्ट ऑफिस के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आई थिंक सो कोई भी पंगा वगैरह तो नहीं होना चाहिए, मैं निकलूंगा ही नहीं भाई, दो दो बंदा है मेरे पीछे भाई, मैं निकलूंगा ही नहीं। ये देखो ये यही तो बंदा है। Yo, man. बाकी ठीक है भाई, मैं अपना फटाफट से आसान अपना पार्सल कलेक्ट करता हूँ और निकल लेते। आई वांट टू सेंड पैकेज, नहीं भाई आई वांट टू पिक अप माय पैकेज। ये रहा डार्क नेट का भाई, यही तो चाहिए मेरे को आई थिंक सो गाइस। ये की ना अपने पास अभी आ चुका है, देखते वेट कहा है। ओ ये रहा गाइस, भाई देखो की तो अपने पास आ चुका है, चलो बढ़िया है। और इस की से गाइस हम लोग बहुत सारी इलीगल काम वगैरह कर सकते हैं इस की के थ्रू। बाकी ठीक है हम लोग अभी ऐसे निकलते। ओ यहाँ पे पुलिस भी आ रखा है भाई, मेरे को पकड़ने के लिए तो नहीं ना? नहीं लगता तो नहीं कि मेरे को पकड़ने के लिए आया है। बाकी मैं अपन ना फटाफट अपना स्कूटर उठाता हूँ, मेरे को कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए यार, क्योंकि मेरा हेल्थ ना बहुत ही ज़्यादा कम हो रखा है। खाने पीने की चीज़ें कहाँ मिलेगा आखिर? बाजू में ना हॉस्पिटल है तो सीधा हॉस्पिटल ही चला जाता हूँ। और मेरे को कोई तो भाई भाई कमेंट पे बोले थे कि भाई हॉस्पिटल पे जाने से आपका हेल्थ फिर में फुल हो जाएगा, बट कैसे फुल करना है भाई मेरे को तो आता ही नहीं। चलो जाके थोड़ा ट्राई करते, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हमको पैसा देके ही फुल कराना पड़ेगा, मेडिकेट वगैरह खरीद के या फिर खाना वगैरह खा के ही हम लोग फुल करा सकते। बाकी ठीक है अभी फिलहाल सबसे पहले चलते हैं हम लोग हॉस्पिटल पे। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं अभी अपने स्कूटर को भगाते हुए पहुंच चुका हूं हॉस्पिटल तक। लेट्स गो, अपने स्कूटर को मैं यहीं पे रख देता हूं यार, कोई जरूरत नहीं इसकी। एंड दिखते कहां से भाई फ्री में होगा और कहां से पैसों से। पैसों से तो करना आता है बट फ्री में कैसे होता है हेल्पफुल? रुको अगर मैं हॉस्पिटल के अंदर आ जाऊंगा खड़ा रहूंगा तो फुल तो नहीं हो रहा। इधर डॉक्टर से बात करके देखते हैं। वाइट ये रहा डॉक्टर थोड़ा चेकअप वगैरह कर लीजिएगा हमारा। फ्री में कैसे हेल्पफुल होगा डॉक्टर जी, बताइएगा कोई?
ऐसे मैं शायद से मेडिकेट बाय कर सकता हूँ जो कि $3,000 का आता है, मेरे को ना चाहिए भाई भाई भाई, कुछ ज्यादा महंगा चीज वगैरह नहीं बिकता भाई यहाँ पर। उससे अच्छा तो भाई मैं हॉस्पिटल के बाहर जाके एक खाना ही खरीद के खा लूँ भाई, यहाँ से सस्ते में खाना वगैरह मिल जाएगा हमको। वेट वेट वेट, यहाँ से मेरे को खाना खरीद लेना है, और मेरे पास वैसे ऑलरेडी एक खाना पड़ा है यार, मैं खा सकता हूँ, चलो इसी को खाते। एंड थोड़ा बहुत तो हेल्थ मेरा भाई इससे फुल हो ही चुका है, ये कुछ पटेटो वगैरह लग रहा है मेरे को, एक दो ना कुछ और भी खाने की चीज़ मैं खरीद लेता हूँ यहाँ से, ये फ्रेंच फ्राइज खरीद लेता हूँ। स्कूटर स्टार्ट हो जा, चलो अभी हम लोग यहाँ से निकल लेते भाई। यहाँ पर इतना ज्यादा भचर मची पर ही रहता है ना हर टाइम, लॉस एंजेलिस के हॉस्पिटल के सामने भाई हर टाइम आपको बंदे देखने को मिलेगा। ओ बंदे ने क्या ड्रिफ्ट मारा भाई, मस्त ड्रिफ्ट मारा, मतलब कि बंदे को आता है भाई गाड़ी चलाना। इधर पे एक एटीएम है, तो मैं कैसे कुछ गलत काम करने के लिए सोच रहा हूँ यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ कैसे क्यों ना एक एटीएम रॉबरी किया जाए, बट यहाँ पर अगर मैं करूँगा ना तो मेरे को पक्का भाई पुलिस पकड़ लेगा। सो मेरे को ना यहाँ से निकल के कोई एक ऐसी जगह का एटीएम पकड़ना पड़ेगा जहाँ पर पुलिस वगैरह का आना जाना बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही तो कोई लोग वगैरह से आता है। यानी कि सिंपल से बात है, मेरे को गाँव की साइड पर जाना चाहिए। गाँव की साइड पर कोई एटीएम वगैरह है क्या? होना तो चाहिए यार, इधर सैंडी सोडेस वगैरह पे। सीधा यहाँ से हम लोग ना पलेटो पे चलते, देखते पलेटो जाके हम लोग एटीएम रॉबरी कर पाते कि नहीं। भाई अगर हम लोग ये रॉबरी भाई सक्सेसफुली कर लेते ना, फिर मजा ही मजा आ जाएगा सही में। बस पुलिस वगैरह ना पकड़ ले यार, पुलिस पकड़ लेगा फिर तो अपना जेल हो जाएगा। पुलिस वगैरह से मेरे को बच के रहना पड़ेगा थोड़ा सा, और आई होप कि भाई उधर की साइड पे पुलिस वगैरह का आना जाना थोड़ा सा कम रहे तो बढ़िया रहेगा। ऑल राइट गाइस, तो फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूँ सैंडी सोर्स पे। मैं पलेटो नहीं गया, पलेटो कुछ ज्यादा ही दूर पड़ रहा था, और पलेटो में ना भाई ज्यादा बंदा रहते हैं, उससे ज्यादा बढ़िया ये रहेगा कि हम लोग भाई सैंडी सोर्स पे ही करें। बाकी ठीक है, मैं आ चुका हूँ अभी फिलहाल एक एटीएम पे जो कि शायद इस दुकान के अंदर है। कहाँ है एटीएम? वेट, ओ ये रहा भाई एटीएम तो मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। ये बंदा मेरे को कुछ तो कहने वाला है नहीं, बाकी देखते गाइस रॉबरी कर पाते कि नहीं हम लोग यहाँ से। लेट्स गो। सो ये मैंने एक्सेस किया एंड रॉबरी एटीएम। ओके ओके गाइस, यार तो इधर अपना रॉबरी तो स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा यार, प्रेस स्पेस बार। ओके मैंने रॉबरी कर लिया क्या? ओके ओके ओके, तो अभी भाई यहाँ पर 5 मिनट तक हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही भाई अपना जो रॉबरी है वो सक्सेसफुली हो पाएगा। तो ठीक है भाई, 5 मिनट तक हम लोग इंतजार करते हैं यहाँ पर। मेरे को शायद से गन लेके इंतजार करना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, तो गन मैं हाथ में ले लेता हूँ रिलोड करके, मस्त जो भी बंदा आएगा सीधा ठोक देंगे। बस कहीं पुलिस वगैरह ना आ जाए यार, पुलिस वगैरह आ गया ना तो सही बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो जाएगा। मैं फिलहाल इधर कवर लेके बैठा तो हूँ, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है यार। गाइस यार यहाँ पर ना भाई पुलिस आ चुका है भाई, ये बहुत ज्यादा गलत सीन हो चुका है। चलो चलो ठीक है, हम लोगों को ना अभी पुलिस से फाइट लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, भर देंगे भाई सीधा भर देंगे, आने दो जो भी आ रहा है। वेट वेट, ये आ रहा है ना, वेट ये रहा बंदा, एक ही बंदा आया है क्या शायद से, ठोक दूं भाई इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। वेट, हो गया क्या, मर गया, मर गया क्या? गाड़ी में गोली चला दूंगा सीधा इसका, गाड़ी पूरा भाई पूरा। आई थिंक इस बंदे को मैंने मार दिया, चलो बहुत सही। अभी बस और 2 मिनट तक मेरे को इंतजार करना है, अगर 2 मिनट तक मैं यहाँ पे सरवाइव कर गया ना तो अपना पूरा का पूरा पैसा अपना हो जाएगा। बाकी पुलिस गाइस, पुलिस अपने पीछे बहुत गंदा वाला पड़ा है। ओ भाई ये क्या हो रहा है, आई थिंक $500 अपने जेब में आ गया क्या? ओह कोई बंदा आया गाइस यहाँ पर। वेट 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 वेट, ये कौन है, कौन हो भाई? अबे तेरी ऐसी की तैसी भाई, मेरे को मारेगा, हाँ मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा भाई भाई भाई, ये बंदा तो मेरे को मार रहा है यार, ऐसी की तैसी तेरी, हट बे। ओ मेरे को मार दिया भाई पूरा। वेट 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 वेट, रिलोड रिलोड रिलोड, यार ये बहुत ज्यादा गलत सीन हो चुका है अपने साथ यहाँ पर भाई। ये ब्लड किसका है? एटीएम का 6 सेकंड और बचा है रॉबरी होने का यार, 6 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड। ऑल राइट, सक्सेसफुल भाई रॉबरी सक्सेसफुल, और अपने जेब में अभी पैसा आ चुका है। लेट्स गो, भागो 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 भाई, हम लोग को अभी ऐसे भागना चाहिए। पुलिस अपने पीछे बहुत ही गंदी तरीके से पड़ गया है भाई, मैं जाऊं तो जाऊं कहां पर, क्योंकि मेरे पास स्कूटी भी नहीं है यार, कहाँ जाए कुछ भी नहीं है गाइस, मेरे पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, ना ही तो हेल्थ है ज्यादा। मेरे को हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहिए क्या? पता नहीं मैं हॉस्पिटल के अंदर घुस भी पाऊंगा या फिर नहीं। बाकी गन अंदर कर लेते, गन 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 अंदर, गन अंदर भाई। अपने पास गाइस अच्छा खासा पैसा तो हो गया है, मेरे पास पहले था $7,000 और अभी हो चुका है $11,000, यानी कि हम लोगों को भाई $4,000 एटीएम से मिला है। ज्यादा नहीं मिला बट काफी सही मिला है, $2,000 का तो भाई हम लोगों ने एटीएम रॉबरी का वो की खरीदा था, बाकी अपना प्रॉफिट हो गया, यानी कि $2,000 का ही बस प्रॉफिट हुआ यार। भाई भाई जो भी बोलो, ये काम काफी ज्यादा सही था, मतलब 5 मिनट के अंदर हम लोग बैठे बैठे $2,000 यहाँ से कमा लिए। लेकिन हाँ भाई ये थोड़ा सा ना
गांव की साइड का एटीएम था इसीलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, अगर शहर की साइड पे हम लोग रॉबरी करते तो हमारी हालत टाइट हो जाता। शहर की साइड पे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना हमको एक अच्छा गैंग का जरूरत पड़ेगा, अपने साथ कुछ बंदे वगैरह होना चाहिए, अकेले तो नहीं कर सकते भाई, एक अकेले बंदे के लिए तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बाकी ठीक है, यहाँ से मैं सीधा हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ना मेरे को इजीली रेंट पे मिल जाएगा एक स्कूटर, तो फिर मैं भाई स्कूटर से जा सकता हूँ अपने लॉस एंजेलिस पे। मैं बस नॉर्मली इस मैडम से ना एक स्कूटर रेंट पे कर लूँगा। ओके, स्कूटर आ चुका है अपने पास, लेट्स गो गाइस, स्कूटर स्टार्ट करते। क्या मैंने जो एक की खरीदा था वो अभी भी है? वो अभी भी है, यानी कि गाइस हम लोग एक दो एटीएम ना और रॉबरी कर सकते, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सही है यार, फिर तो हम लोग करोड़पति बन जाएंगे ऐसे ही करके। धीरे धीरे और भी काफ़ी सारे एटीएम वगैरह रॉबरी करते रहेंगे, ऐसे ही कर करके ना बहुत सारे पैसे वगैरह हम लोग कमा सकते, यानी कि भाई पूरा का पूरा ही अपना प्रॉफिट है, $4,000 का प्रॉफिट हो गया। खैर आज के इस वीडियो को कैसे हम लोग यही पैन करते हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर वगैरह होने लग गया भाई, बारिश वगैरह स्टार्ट हो चुका है मेरे यहाँ पर, तो हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइज़ वगैरह आ जाए, तो यही पे वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वाली कंप्यूटर जरूर से अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।